Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about Maud Bodkin. She was a female archetype critic and her full name was Amy Maud Bodkin. She was an English classical scholar, a writer on mythology and literary critic. She is best known for her 1934 book, Archetypal Patterns in Poetry, semicolon, Psychological Studies of Imagination. So, Amy Maud Bodkin जो थी ये क्लासिकल इंग्लिश क्लासिकल स्कॉलर थी और साथ ही साथ ये लिटरेरी क्रिटिक भी थी एंड ये जो है माइथोलॉजी के बारे में लिखा करती थी. इनको जो है जाना जाता है, इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी 1934 में जिसका नाम था आर्किटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री सेमीकॉलन साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ इमेजिनेशन. सो इस बुक के लिखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई. इट इज़ अ मेजर वर्क इन विच शी इज़ अप्लाइंग द थ्योरीज ऑफ कार्ल जंग टू लिटरेचर. और ये जो था इनका बहुत मेजर वर्क था जिसमें जो है ये कार्ल जंग की थ्योरीज को लिटरेचर पर जो है अप्लाई कर रही हैं. सो शी वॉज बॉर्न ऑन 1875 क्लेम्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था क्लेम्सफोर्ड में. एंड जो इनकी डेथ हुई थी वो 1967 में हुई थी हैटफील्ड यूनाइटेड किंगडम में. एक जगह है वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी. देन हम जो है अब कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे. पहली बुक का नाम था इनकी आर्किटाइपल पैटर्न्स इन द पोएट्री सेमीकॉलन साइकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ इमेजिनेशन. इस बुक के लिखने के बाद ये 1934 में जो है ये लिखी गई थी. इस बुक के लिखने के बाद जो है मॉड बॉडकिन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई. उनको इस बुक के लिखने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा फेम मिला. इस बुक में जो है उन्होंने जो है लिटरेचर पे जो है कार्ल जंग की थ्योरीज़ को अप्लाई किया था. शी अप्लाइड आर्किटाइपल आइडियाज़ ऑफ कार्ल जंग टू पोएट्री. तो इन्होंने जो है कार्ल जंग की आर्किटाइपल आइडियाज़ को जो है पोएट्री पर अप्लाई किया था. शी इज़ एग्जामाइनिंग आर्किटाइप ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जिसमें जो है ये एग्जामाइन करती हैं आर्किटाइप्स यानी फेमस सिम्बल्स ऑफ एंशिएंट मैरिनर, रीबर्थ, हेवन, हेल, इमेजेस ऑफ डेविल, कॉमा हीरो, गॉड एट्सेट्रा. इन दिस शी इज़ अप्लाइंग आर्किटाइप्स टू पोएट्री. सो ये जो है पोएट्रीज पर जो है आर्किटाइप्स को जो है अप्लाई कर रही हैं, जैसे कि फेमस सिंबल हो गए एंशिएंट मैरिनर, रीबर्थ, हेवन, हेल, इमेजेस ऑफ डेविल, हीरो, गॉड एट्सेट्रा. सो इस बुक के लिखने के बाद ये पॉसिबल हो गया कि आर्किटाइप्स ना सिर्फ टेक्स्ट में देखे जाते, साथ ही साथ जो है पोएम्स में भी जो है आर्किटाइप्स जो है हम देख सकते हैं. सो आर्किटाइपल वो लोग होते हैं जो आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म को जो है प्रैक्टिस करते हैं और बताते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि उनका काम जो है लोगों को जो है इन्फॉर्म करना है कि आर्किटाइप्स जो है लिटरेचर में जो है प्रेजेंट रहते हैं. हर तरह की लिटरेचर में जो है आर्किटाइप्स प्रेजेंट रहते हैं और जो है एक तरह से ये जो है आर्किटाइप्स जो है इंटरकनेक्टेडनेस प्रोवाइड करते हैं. सो इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है. इस लेक्चर में मैंने मॉड बॉडकिन का इंट्रोडक्शन दिया, देन उनकी बुक बताई जो फेमस बुक थी आर्किटाइपल पैटर्न्स इन द पोएट्री सेमीकॉलन साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ इमेजिनेशन. एंड मैंने उस बुक के साथ साथ ये भी बताया कि इन्होंने जो है इस बुक में कार्ल जंग की थ्योरीज़ को जो है अप्लाई किया अपनी पोएट्रीज़ पे और फिर आर्किटाइपल कौन होते हैं उसके बारे में बताया. सो इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है. थैंक्स फॉर लिसनिंग माई लेक्चर. इफ़ यू लाइक दिस lecture, so please like, share and subscribe, and also don't forget to comment.